Today we will discuss the electrical capacitance. Electrostatics में electrical capacitance topic का एक अपना अलग से importance है. ये एक थोड़ा different topic है. Capacitance, as you know very well, capacitance का मतलब होता है capacity. Capacity का मतलब ये है कि कोई container हमारे पास है, कोई bottle हमारे पास है, तो उस bottle में हम कितना लिक्विड भर सकते हैं वही उसकी कैपेसिटी होती है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में कि कोई कंडक्टर हमारे पास है तो उस कंडक्टर को जब हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो कितना चार्ज वो विदस्टैंड कर सकता है, इस चीज़ को हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में. तो एग्जैक्टली अगर हमारे पास कोई कंडक्टर होता है और इस कंडक्टर को हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो इसका पोटेंशियल चार्ज सप्लाई करने से इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंक्रीज होता है. इफ वी सप्लाई चार्ज टू दिस कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस. इफ चार्ज इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ऑल्सो इंक्रीजेस. ये सिचुएशन हम आइडेंटिकल यहाँ से समझ सकते हैं कि बाय द वे हमारे पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम कोई लिक्विड भर रहे हैं. यहाँ से इस पर हमने पानी भरना शुरू कर दिया है तो अगर इसमें पानी भरता है तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इसके अंदर पानी का क्वांटिटी मास इंक्रीज होता है तो वैसे वैसे इसका लेवल, लिक्विड का जो लेवल है, दिस लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस. तो यहाँ पे जब हमने इसके अंदर पानी डाला, कंटेनर के अंदर पानी डाला, तो इसमें पानी का क्वांटिटी मास बढ़ रहा है और उसको हम लेवल की फॉर्म में बोल सकते हैं कि इसका जो वाटर लेवल है वो राइज कर रहा है. सेम थिंग इज हियर. अगर हम इसको चार्ज सप्लाई करते हैं तो चार्ज सप्लाई करने से इसका पोटेंशियल बढ़ता है. ये वही सिचुएशन है कि मास जो लिक्विड होता है फ्लोस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल और आइडेंटिकली द चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. द कंक्लूजन इज इफ यू सप्लाई चार्ज टू दिस कंडक्टर देन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस लीनियरली. इट मीन्स अगर हम वोल्टेज और चार्ज के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है. इन दिस वे क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी एंड Q इज इक्वल टू सी वी. तो यहाँ पे जो C कॉन्स्टेंट हमने यूज किया है दिस C इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. इसी को हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं, इसी को हम कैपेसिटी बोलते हैं. इसी टॉपिक, इसी कैपेसिटेंस को हमने स्टडी करना है, इसको डिस्कस करना है. Q को समझने के लिए जो रिजल्ट हमारे पास आया है Q इज इक्वल टू सी वी एंड देयर फोर सी कम्स आउट टू बी क्यू बाई वी. इन दिस वे C का जो यूनिट बनेगा हमारे पास इट विल बी Q इज कूलॉम, V इज बोल्ट और इसका दूसरा नाम होता है फेरेड, FARED, फेरेड इज हियर. दिस फेरेड जो यूनिट हम यूज कर रहे हैं ये एक बिगेस्ट यूनिट है, ये बहुत बड़ा यूनिट है. तो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं माइक्रो फेरेड दैट कम्स आउट टू बी 10^-6 फेरेड एज वेल एज पिको फेरेड एंड दैट इज 10^-12 फेरेड. अब यहाँ पे कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए एज यू नो वेरी वेल Q is equal to CV, therefore C is equal to Q by V. If V is equal to 1 volt, अगर V को हम 1 volt लेते हैं तो C is equal to Q. It means हमने एक चीज़ तो क्लियरली डिस्कस कर ली है कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है. मीन्स अगर हमने चार्ज सप्लाई किया तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा. तो वट एग्जैक्टली दिस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर व्हिच इंक्रीजेस इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट. दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. डिस्कस द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल शेल. अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, इसका रेडियस में गिवन है आर इज द रेडियस एंड चार्ज गिवन टू दिस सेल इज क्यू. इसको हमने क्यू चार्ज सप्लाई कर दिया है तो चार्ज ऑन सेल इज क्यू, इट्स रेडियस इज आर. कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू सी वी और यहां से सी कैलकुलेट हो जाएगा क्यू बाई वी. इट मीन्स हमें इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना होगा. तो हमें पता है कि इसका पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है स्फेरिकल सेल का, कंडक्टर का,
that you know very well, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो C कैलकुलेट हो जाएगा. C कम्स आउट टू बी Q by V is here 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R. इन दिस वे C कम्स आउट टू बी 4 pi epsilon naught R, जहाँ R क्या है, इसका रेडियस है, तो C इज प्रोपोर्शनल टू R. इन दिस वे जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, इट डिपेंडिंग ऑन इट्स रेडियस R. अगर हम अर्थ को कंसिडर करते हैं, अर्थ को एज ए कैपेसिटर यूज करते हैं, एज ए कंडक्टर यूज करते हैं, तो अर्थ के केस में हमारे पास जो वैल्यू आर की होती है, दैट यू नो वेरी वेल, इट इज 6.4 × 10⁶ मीटर. इट मीन्स कैपेसिटेंस कम्स आउट टू बी 4 pi epsilon naught × R, दैट इज इसका वैल्यू हम जानते हैं 1/9 × R 6.4 × 10⁶. इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 711 × 10⁻⁶ फैरेड, दैट इज 711 माइक्रोफैरेड. इट मीन्स इतनी बड़ी अर्थ का, जिसका डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है, उसका कैपेसिटेंस कितना आया है, 711 माइक्रोफैरेड आया है, बहुत कम आया है. तो ये रिजल्ट ये शो करता है कि जो फैरेड है वो बिगेस्ट यूनिट है. द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट एग्जैक्टली अ कैपेसिटर, कैपेसिटर और कंडेंसर. द कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, एंड इन कैपेसिटर द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्योरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो कैपेसिटर के अंदर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. तो कैपेसिटर कैसे काम करता है, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इसको डिस्कस करने के लिए आई एम यूजिंग हियर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, द सिंपल प्रिंसिपल इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में किस तरह से कैपेसिटर के अंदर जो चार्जिंग होती है वो हम यूज करते हैं, उसको थोड़ा समझेंगे. लेट इट बी हमारे पास कोई एक प्लेट है और इस प्लेट को हमने इंसुलेटेड कर दिया है. इंसुलेटेड मींस इसका अर्थ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. लेट द प्लेट ए इज हियर. इस प्लेट को हमने चार्ज सप्लाई किया, जितना इसका कैपेसिटी है ये चार्ज सप्लाई कर दी. पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करने से इस प्लेट की वजह से हमने कोई एक पॉइंट पी सेलेक्ट कर लिया है, इस प्लेट की वजह से इस पॉइंट पी पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा. लेट दिस पोटेंशियल इज, लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एंड ड्यू टू दिस प्लेट ए एंड इट इज 100 वोल्ट. अगर हम इस प्लेट के सामने दूसरी अनचार्ज्ड एक प्लेट को यूज करते हैं, यहां पे लाते हैं सेकेंड प्लेट बी हम ला गए हैं, इसके क्लोज ला गए हैं, इस बी को एक एक क्लोज लाते ही यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है. कैसे, इट बीइंग पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से इस मेटल प्लेट में, बीइंग मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट्स हमारे पास हैं, तो इस मेटल प्लेट में इंडक्शन हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ इस साइड में जो चार्जेस हमारे पास हैं यहाँ पे इस तरह से इंडक्शन हो जाएगा. दिस वन इज हियर एंड यहाँ निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ सिमिलरली क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज इस साइड इंड्यूस जाएगा, ये इंडक्शन हो गया है. हम जानते हैं अच्छी तरह से कि एक पॉजिटिव चार्ज अगर हमारे पास है और कोई हमारे पास मेटल प्लेट है, तो उसमें सिंपली यहाँ पे अगर हम देखें कि पॉजिटिव प्लेट हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कोई ये मेटल है, तो यहाँ पे इस मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस जाएगा. दिस वन इज कॉल्ड एज इंडक्शन. ये इंडक्शन यहाँ पर हो गया है, तो इस इंडक्शन की वजह से प्लेट की वाली साइड निगेटिव हो जाएगी, ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी. अगर हम देखते हैं इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पर यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज विल बी -20 वोल्ट. लेट इट बी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसको, इट इज हियर, लेट इट बी -20 वोल्ट, क्योंकि निगेटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल निगेटिव होगा. दिस वन वैसे ही जो पॉजिटिव प्लेट है इसका पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल जो आएगा यहाँ पे, लेट इट बी वी पॉजिटिव विल बी 15 वोल्ट, ये प्लस आएगा. ये भी मैं अज्यूम किया है मैंने, क्यों, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, थोड़ा कम आ जाएगा. मीन्स अभी जब तक ये प्लेट बी यहाँ पे नहीं था, प्लेट ए था, तो उस टाइम पे वोल्टेज कितना था, 100 वोल्ट था. लेकिन इस प्लेट को लाते ही हमारे पास ये दो वोल्टेज और आ गए हैं. वोल्टेज एक स्केलर क्वांटिटी है,
तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, देयरफॉर नेट वोल्टेज कम्स आउट टू बी, इसको अगर ऐड करते हैं तो दिस वोल्टेज बिकम हियर 95 वोल्ट। इट मीन्स इस पॉइंट पे जो वोल्टेज हो सकता था वो 100 वोल्ट था, लेकिन इस प्लेट को लाते ही वो टोटल पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो गया, 5 से ड्रॉप हो गया, इट बिकम 95। अब हम अगेन इसको पी को 100 वोल्ट तक ले जाने के लिए हम इस प्लेट को एडिशनल चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, तो ये वोल्टेज फिर 95 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी डिस्कशन में हम एक एडवांटेज और लेते हैं, वो एडवांटेज ये है कि अगर हम इस राइट साइड को यहाँ से अर्थिंग कर देते हैं, अर्थिंग कर दिया, उससे क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है ग्राउंड में चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब ग्राउंड में चला जाएगा तो यहाँ ये चार्ज हमारा यूज हो जाएगा, ये चार्ज यहाँ से हट जाएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल जस्ट फ्लो टू द अर्थ। और यहाँ पे अभी सिचुएशन को स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट पी पे वोल्टेज कितना था हमारे पास, 100 वोल्ट था। अब यहाँ वी नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -20 वोल्ट हो जाएगा, एंड वी पॉजिटिव विल बी जीरो, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज था अर्थ में फ्लो हो गया है। तो इस सिचुएशन में जो नेट पोटेंशियल हमें बचेगा वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 80 वोल्ट, यानी यहाँ भी पोटेंशियल और ज़्यादा ड्रॉप हो गया है। तो इसको सेम पोटेंशियल तक राइज करने के लिए, 100 पोटेंशियल तक ले जाने के लिए हम एडिशनल चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। जो चार्ज हम सप्लाई करते हैं वो यहाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको फिर 180 से हमने 100 राइज करने के लिए एडिशनल चार्ज सप्लाई हो जाएगा। इन दिस वे जो एडिशनल चार्ज सप्लाई होगा वो चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो जो एक कैपेसिटर यहाँ पर डिजाइन किया है इसी को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, यही हमारे सिलेबस में डिटेल में है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने क्या देखा कि सिंपली हमारे पास एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और ये प्लेट ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज हो गई, और यहाँ से इसकी हमने अर्थिंग कर दी है, एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी हमने देखा वो सिंपली ये है कि वी हैविंग द टू प्लेट्स लाइक दिस, ये पॉजिटिव प्लेट हमारे पास है, इसको हमने यहाँ से इंसुलेटेड कर दिया है, इंसुलेटेड है, यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, और यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंड प्लेट बी है, एंड दिस प्लेट इज अर्थ प्लेट इज, ये हमने अर्थ कर दिया है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ फ्लो कर जाएगा और इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, दिस वन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच का जो सेपरेशन है दिस सेपरेशन इज डी, एंड इन प्लेट्स का जो एरिया है प्लेट एरिया इज ए, ईच प्लेट हैविंग एरिया ए हियर, दोनों प्लेट का एरिया कितना है, आइडेंटिकल प्लेट्स हैं, इसका एरिया ए है, इसका एरिया भी ए है, सरफेस एरिया ए है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज डी। नाउ इट बीइंग पॉजिटिव प्लेट, इट बीइंग नेगेटिव प्लेट, एंड वी नो वेरी वेल देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ये हम जानते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। अब हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो कैपेसिटेंस को निकालने के लिए पहले हमें एक बार इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। एज यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, यहाँ पर क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देयरफॉर वी कम्स आउट टू बी ई इनटू डी। वी नो वेरी वेल द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, टू प्लेट्स हियर, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एज यू नो वेरी वेल ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, दैट इज क्यू बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पे जो क्यू है, क्यू इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें जो चार्ज होता है इनर साइड पे जो चार्ज होता है दैट इज हियर द चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो ये वैल्यू जो ए की हमने फाइंड आउट की है ये यहाँ पुट कर लेंगे, तो वी कितना हो जाएगा हमारे पास, ए इज हियर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इनटू डी, इज द इक्वेशन नंबर 3। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू सी बी, एंड द सी बिकम क्यू बाई वी। अब हम जो क्यू की वैल्यू है वो हम अज्यूम कर चुके हैं क्यू को, एंड वी हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी क्यू ओवर क्यू डी ओवर एप्सिलॉन नॉट ए, कैंसल आउट हो जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इन दिस वे द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इज इक्वल टू
epsilon naught A by D is the capacitance of parallel plate capacitor.